बिहार की क्या कुछ बड़ी खबर इस वक्त है तो बता दें, बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। और बताते चले कि स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर आरजेडी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो स्मार्ट सिटी, इसके साथ ही सबसे महंगी बिजली उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में मिलती है। तो बिजली को लेकर बिहार में घमासान इस वक्त जारी है। और इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बिहार दौरा होना है। तो देखिए, बताते चले कि सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी भाजपा में, और जेपी नड्डा का दौरा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर आंदोलन बिहार में लगातार जारी है, और इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं बिहार से, सागर। सागर, जिस तरीके से स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर के घमासान छिड़ चुकी है, राजद ने आंदोलन शुरू कर दिया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कीर्ति, जगदानंद सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने संवाददाता सम्मेलन करके आंदोलन करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था आगामी 1 अक्टूबर से राजद हर ब्लॉक में प्रखंड स्तर पर मुद्दा बनाएगी स्मार्ट मीटर को। स्मार्ट मीटर को लेकर हर जगह आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार स्मार्ट मीटर से बढ़े हुए बहुत ज्यादा पैमाने पे बिजली बिल आते हैं, लोगों को परेशानी होती है, ये बात विभाग ने भी माना है कि स्मार्ट बिजली मीटर से लोगों को परेशानी हो रही है कृति, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि जगदानंद सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद ही ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं वो फ्रंट फुट पे आते हैं, विभाग की बैठक करते हैं, और उसमें किस प्रकार का दावा वो करते नजर आते हैं, हमने खबरें दिखाई हैं लगातार। वो उस मीटिंग में जगदानंद पर ही सवाल उठा देते हैं और अपने अधिकारियों से जबरदस्ती कहलवाते हैं कि बताइए कि जगदानंद सिंह का बिजली बिल कितना है। तो अधिकारी दबे आवाज में कहते हैं कि जगदानंद सिंह जी का पटना में जो कनेक्शन है वो पिछले मीटर की तुलना में अभी वाले मीटर में जो बिल आया है उसमें 17% की कमी है। तो ये राजनीति चल रही है किर, लेकिन राजद को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। राजद अभी तक जातीय जनगणना की बात कर रहा था, आरक्षण की बात कर रहा था, तो एक माहौल नहीं बन पा रहा था। आपने देखा कि तेजस्वी यादव धरना भी किए थे, पूरे प्रदेश स्तर पर धरना किए थे, हालांकि पटना के प्रदेश कार्यालय पर जो धरना हुआ था वहां पर तेजस्वी यादव खुद पहुंचे हुए थे। जातिगत जनगणना पूरे देश में की मांग को लेकर, जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है वो बिहार में नहीं मिल पा रहा है, उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए तेजस्वी यादव ने धरना दिया था। लेकिन ये जो मुद्दा है पूरे बिहार में माहौल नहीं बना पाया। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव यात्रा के लिए निकलते हैं, हालांकि वो 4 जिलों की यात्रा थी, लेकिन तेजस्वी और राजद के लोग चाहते थे कि पूरे बिहार में एक माहौल बने, एक मैसेज जाए, लेकिन वह भी पूरी तरह से सफल नहीं दिखाई दिया कीर्ति। इसके बाद अब राजद ने अपनी रणनीति बदली है, जाति की राजनीति करने के बजाय जो समस्याएं हैं उस पर अब राजनीति करने के लिए तेजस्वी यादव सामने आए हैं। आपने देखा कि लगातार वो क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं, पुल बिहार में कल गिरा उस पर भी उन्होंने कहा, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर अब राजद पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है कीर्ति। तेजस्वी यादव ने कल फिर से सवाल किया, तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि सरकार के लोग बताएं 20 साल में 3 बार बिजली मीटर क्यों बदला, थर्ड पार्टी कमेटी बननी चाहिए, उपभोक्ता लगातार बोल रहे हैं कि ज्यादा बिल आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब 50 लाख लोगों को बिजली मंत्री संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो 2 करोड़ लोगों को संतुष्ट कैसे करेंगे। देखिए, आपको बताते चले कृषि की बिहार में कुल 2 करोड़ बिजली की उपभोक्ता है, लेकिन 50 लाख लोगों के घर में ही बिजली मीटर लगा है। और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा था कि 2025 आते आते हम सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगा देंगे, लेकिन अब स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंक देने की बात राजद के लोग कह रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे, अगर कोई कार्रवाई होगी तो फिर आंदोलन होगा। तो देखिए, दोनों ही तरफ से कीर्ति, चाहे राजद हो या नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनके तरफ से लगातार वाद विवाद हो रहा है। हालांकि अच्छी बात इसमें कीर्ति यह है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद से ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है, एक एक चीजों का जानकारी नीतीश कुमार ने लिया है। मैं पहले से ही कहता आया हूं कीर्ति कि नीतीश कुमार अपने
सरकार के बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं होना देना चाहते, क्योंकि चुनाव का समय है। अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कितना एक्टिव है, हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम उनका लगता है, हर रोज कहीं ना कहीं वो बड़े शिलान्यास करते हैं, कुछ ना कुछ देने की सौगात करते हैं। और आप इधर देखिए कि हर विभाग एक्टिव हो गया है, हर विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ अपने विभाग के बारे में जानकारियां देते रहता है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो नीतीश कुमार फ्रंटफुट पर आए जब पूरा बिजली मीटर का ये पूरा विवाद खड़ा हो गया राजद और ऊर्जा विभाग के बीच में, तब खुद फ्रंटफुट पर नीतीश कुमार आए, उन्होंने बारी बारी से बारीकी से एक एक चीज का जायजा लिया और तब उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, यह अच्छी चीज है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल सागर, ये तो साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव किसी ना किसी मुद्दे को लेकर बिहार की जनता को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच अब भाजपा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे की क्या कारण है और इससे क्या भाजपा को लाभ मिलेंगे, किन विषयों पर चर्चा की जाएगी, बैठक भी होने हैं इसे लेकर? देखिए कीर्ति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए यह कोई बड़ी बात जी, लेकिन 21 दिन में दूसरी बार, पहले 7 सितंबर को बिहार आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनका कार्यक्रम था, और 21 दिन के अंदर दोबारा से अगर बिहार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो चर्चाएं तो होंगी। अगर बात करें राजनीतिक गलियारों से जो खबरें हमारे पास निकल कर आ रही हैं, कहा जा रहा है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं, और केवल भाजपा में ही नहीं, भाजपा और जो जदयू है नीतीश कुमार के साथ जो रिश्ते की बात कहें, हालांकि रिश्तों में कोई दरार नहीं है। आपने देखा कि नीतीश कुमार हर मंच से कहते हैं कि अब हम फिर वापस नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में दरार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की जो दिनचर्या है, नीतीश कुमार का जो अपना स्टाइल है, वो भाजपा के मंत्रियों को भाव नहीं देते हैं, ये खबरें निकल कर आ रही है। और ये कहा जाता है कि ये कोई नया नहीं है, नीतीश कुमार जब राजद के भी साथ थे तो राजद के मंत्रियों को भाव नहीं दिया करते थे। बिल्कुल, तो वही स्थिति अभी भी है, भाजपा के जो मंत्री हैं कुछ को छोड़ दिया जाए तो सभी मंत्रियों को भाव नहीं मिल रहा है किसी, तो ये एक बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार या तो नाराज हैं या तो फिर से कुछ नई राजनीति जो है जन्म ले रही है बिहार में, फिर से कुछ इधर उधर जाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। तो एक तो सुगबुगाहट यह है कि दूसरी जो सुगबुगाहट है, क्योंकि जेपी नड्डा बिहार आकर कोई बड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, आप देखिए कि 10:30 बजे वो बिहार के पटना में पहुंचेंगे और सीधे प्रदेश कार्यालय आएंगे और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक, उस बैठक में विधायक होंगे, जो चुनिंदा विधायक है, सभी विधायकों को नहीं बुलाया गया है, चुनिंदा विधायक जो है वो आएंगे, मंत्री आएंगे, सांसद आएंगे, विभिन्न मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी रहेगी कीर्ति। तो जो भी नीति निर्धारण वाले लोग हैं, जो कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं भाजपा में, वो लोग इस बैठक में शामिल होंगे और करीब 2 से 2.5 घंटे तक ये बैठक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में चलेगी कीर्ति। तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, मंथन होगा। जो खबरें 1-2 दिन से चल रही हैं बिहार में कीर्ति, मैं जरूर दर्शकों को वो बताना चाहूंगा, कुछ खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि देखिए बिहार भाजपा में गुटबाजी हमेशा से ही रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी जब से सम्राट चौधरी अध्यक्ष पद से हटे हैं तब से गुटबाजी और चरम पर हो गई है। एक बातें यह भी आ रही हैं कीर्ति कि सम्राट चौधरी गुस्से में, क्योंकि देखिए 1 से 1.25 साल के अंदर ही उनके अध्यक्ष पद को भाजपा ने छीन लिया, क्योंकि कहा गया कि एक आदमी और एक पद भाजपा में जो सिस्टम है, तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, इसलिए उन्हें भाजपा का जो अध्यक्ष पद था बिहार का उसको छोड़ना पड़ा कीर्ति। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल यही है कि जब अब दिलीप जायसवाल जो भाजपा के बिहार अध्यक्ष बनाए गए हैं, वह भी मंत्री हैं, वह भी बिहार में भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, तो फिर उनको उनके पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इसको लेकर
सम्राट चौधरी गुस्से में है। बिल्कुल सागर, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपने दी है और आने वाले बिहार के राजनीतिक में इसका बड़ा असर पड़ सकता है। सागर हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो देख सकते हैं बिहार की राजनीतिक में इस वक्त बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं हो रही है और जो बाजार है राजनीति का वो भी गर्म है। पर फिलहाल हम आगे की तमाम मुद्दों पर चर्चा